तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं जनेश्वर मिश्रा पार्क, जो कि है लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में, और ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। यहाँ से जाने में, हम लोग का घर है हजरतगंज में, तो यहाँ से लगभग 15 मिनट लगेगा जाने में। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये आ गई दिशिता, दिशिता हेलो कर दो, हेलो करो, दिशिता हेलो कर दो, हेलो कर दो, हाँ हेलो, आई एम शिवानी। Shadow through the sun rays and on and दिशिता इधर देखो। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं जनेश्वर मिश्रा पार्क, जो कि मेरे घर से है लगभग 10 से 12 मिनट की दूरी पर। तो मैंने सोचा आपको लखनऊ का एक सिटी का टूर करा दूं ऑन व्हील्स। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग का घर है NXC के पास, यानी मुख्यमंत्री कार्यालय के पास, और हम लोग पहुँच रहे हैं राजभवन यानी गवर्नर हाउस के बैक साइड वाली रोड पर। ये आ गए हम लोग राजभवन के बैक साइड वाली रोड पर। ये राइट हैंड साइड पर जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बहुजन समाज प्रेरणा स्थल है, मायावती गवर्नमेंट ने इसे बनाया था, और अंदर इसमें कांशीराम अम्बेडकर और मायावती की मूर्तियां लगी हुई हैं, एक तरह का म्यूजियम इसे आप समझ लीजिए। और ये राज लेफ्ट हैंड साइड पे राजभवन है, जो कि अभी आपको दिख नहीं रहा है। ये एक द्वार बनाया हुआ है इसी म्यूजियम को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हैवी व्हीकल्स ना जा पाएँ। राइट हैंड साइड पर जो आप इलाका देख रहे हैं वो है माल एवन्यू। माल एवन्यू में सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों का आवास है ज़्यादातर सबका, और काफ़ी कैबिनेट मंत्रियों मंत्रियों को यहाँ पे बंगले मिले हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे अभी भी राजभवन कॉलोनी चल रही है। ये सामने आप देखिए लोटो चौराहे पे पहुँच गए हैं, सामने आपका VIP गेस्ट हाउस है, वही VIP गेस्ट हाउस है जहाँ पे योगी सरकार ने शपथ लेने के काफ़ी दिन बाद तक यहीं से सरकार चलाई थी, क्योंकि 5 कालिदास मार्ग में वो शिफ्ट नहीं हुए थे, जो कि ऑफिशियल रेजिडेंस है मुख्यमंत्री का। अब हम लोग पहुँच रहे हैं विक्रमादित्य चौराहे पर। राइट हैंड साइड पर जो यहाँ से इस चौराहे से जो रोड जाएगी वो विक्रमादित्य मार्ग है। विक्रमादित्य मार्ग पर मुलायम सिंह यादव का बंगला हुआ करता था, और अखिलेश यादव का बंगला भी हुआ करता था, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ऑफिस भी है। इस चौराहे को पार करके हम लोग जैसे ही सीधे आगे बढ़ेंगे तो ये राइट हैंड साइड पर जो अब जो आपको इलाका दिख रहा है गौतम पल्ली है। गौतम पल्ली भी ज़्यादातर IAS PCS के यहाँ पर बंगले होते हैं, सरकारी बंगले हैं ज़्यादातर यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड पर जो है कुछ सरकारी ऑफिस हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस है, और एक दो अपार्टमेंट बने हुए हैं। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे एक पराग की एक डेयरी भी देखिए आपको दिख रही है। यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे आके अपना आके सामान परचेज करते हैं। और राइट हैंड साइड पे जो आपको बंगले दिख रहे हैं ये वही गौतम पल्ली वाले बंगले हैं, ज़्यादातर कैबिनेट मंत्री IAS या PCS को यहाँ पे बंगले अलॉट रहते हैं। अब जो चौराहा आपका आ गया ये है कालिदास मार्ग वाला चौराहा, और राइट हैंड साइड पे कालिदास मार्ग है, कालिदास मार्ग पर ही मुख्यमंत्री आवास है। लेफ्ट जो रोड जा रही है वो जाती है सिविल हॉस्पिटल और जू की तरफ। राइट हैंड साइड पे जो सामने आप जो होर्डिंग देख रहे हैं कलर्ड, यही है मुख्यमंत्री आवास के जाने का रास्ता। अब हम लोग आ गए लोहिया पथ पर। ये एक द्वार बनाया है, ये अखिलेश यादव की गवर्नमेंट के टाइम बना था, और सामने देखिए एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है लोहिया पथ। ये रोड सीधे जाती है गोमती नगर, और सबसे पहले तो जाएगी ये 1090 चौराहे पर। 1090 चौराहे हम लोग पहुंचने वाले हैं, और ये 8 लेन की ये रोड है। दोस्तों ये आ गया 1090 चौराहा। इसका नाम 1090 चौराहा इसलिए है क्योंकि यहीं पर वुमेन पावर हेल्पलाइन का यहीं पे ऑफिस है, इसी चौराहे के कॉर्नर की एक बिल्डिंग में। जो सामने जो आपको गेट दिख रहा है वो है अंबेडकर पार्क जाने का रास्ता, लेकिन वो बैरिकेडिंग से बंद है क्योंकि ये चौराहा काफ़ी बड़ा है। इस चौराहे पर एक्सीडेंट होते थे, लोग कन्फ्यूज़ हो जाते थे कि किधर से ट्रैफिक आ रहा है किधर से नहीं, इसलिए फिलहाल ये रास्ता बंद है। हम लोग को घूम के जाना पड़ेगा अगर उधर अगर जाना होगा। अब हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं ये बढ़ रहे हैं समतामूलक क्रॉसिंग की तरफ, और सामने जो पेड़ के पीछे जो आपको एक बड़ी सी राइट हैंड साइड पर बिल्डिंग दिख रही है वो है JP इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। इस ये काफ़ी विवादों में आ गया था, आपको एक क्रेन भी लगी दिख रही है, इसकी बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीपैड बनाया गया है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आते ही इसका काम रुकवा दिया था, क्योंकि उनके हिसाब से ये गरीबों का देश है और यहाँ पर गरीबों के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, हेलीपैड की कोई आवश्यकता नहीं है इस बिल्डिंग पर उनके हिसाब से। तो ये बिल्डिंग भी काफ़ी विवादों में आ गई थी, और इसे भी अखिलेश यादव सरकार के समय में बनाया गया था। जो आपको सामने पुल एक दिख रहा है ब्लू कलर का, दूसरा पुल जिस पुल पे हम लोग चल रहे हैं वो नहीं सामने, तो वो पुल है गोमती बराज, और ये लखनऊ का सबसे पुराना गोमती नदी के ऊपर बना हुआ पुल है। इसमें रेगुलेटर्स लगाए गए हैं पानी का फ्लो जो है कंट्रोल करने के लिए। ये हम लोग अब आ गए हैं समतामूलक क्रॉसिंग की तरफ। ये चौराहा है काफ़ी बड़ा, और ये काफ़ी बड़ा इसलिए बनाया गया ताकि ट्रैफिक जो है थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाए। और इस चौराहे से हम लोग राइट टर्न लेंगे तो आपको
गोमती नगर की तरफ बढ़ने को मिलेगा। कुछ मूर्तियाँ आपको देखनी चौराहे के अंदर, ये दलित महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं, मायावती गवर्नमेंट के टाइम ही लगवाई गई थी और मायावती गवर्नमेंट के टाइम ही ये चौराहे का विस्तार किया गया था। और यहाँ से हम लोग राइट टर्न ले रहे हैं और हम लोग बढ़ रहे हैं गोमती नगर की तरफ। इसी चौराहे पर आपको RBI की बिल्डिंग भी सामने दिख सकती है। और अब हम लोग गोमती नगर की तरफ टर्न ले रहे हैं। अब आपको ये JP इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कुछ और करीब से दिख रहा है, जहाँ देखिए क्रेन लगी हुई है। इसके ठीक बगल में ही LDA का ऑफिस है, लखनऊ विकास प्राधिकरण का ऑफिस है। और यहाँ पे देखिए डायल 100 का भी ऑफिस है, आपको बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है। डायल 100 यहीं से कंट्रोल होता है। और ये जो राइट हैंड साइड पे जो ब्यूटिफिकेशन आप देख रहे हैं, जो थोड़ा विकास कार्य देख रहे हैं, ये भी मायावती गवर्नमेंट के टाइम में हुआ था। ऊपर भी एक रोड है, इसे चटोरी गली के नाम से जाना जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड पे आप लखनऊ विकास प्राधिकरण का ऑफिस देख रहे हैं। इसके बगल में ये देखिए आइनॉक्स मॉल है। और यहाँ पे 4 मूवी थिएटर्स हैं और इसके अलावा 2-3 स्टोर्स हैं। बहुत बड़ा मॉल नहीं है लेकिन ठीक ठाक मॉल है। इसके बगल में देखिए होटल रिलायंस है, काफ़ी अच्छी ब्रांड का ये होटल है। और इसको बहुत ही कम समय में बनाया गया, रिकॉर्ड समय में इसे बनवाया गया है। और इसके ठीक बगल में बहुत ही पुराना 5-स्टार होटल है, होटल ताज विवांता बाय ताज। तो ये होटल रिलायंस का ये एंट्रेंस का गेट है, इसके बाद ये एग्जिट का गेट है। प्लॉट की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इसे टॉवर के आकार में बनाया गया है ताकि दूर से ही लोगों को एक लैंडमार्क की तरह नज़र आने लगे। ऊंची बिल्डिंग बनाई गई है। और ताज होटल जो है वो बहुत ऊंचा नहीं है, मुश्किल से फर्स्ट फ्लोर भी शायद ही कुछ कुछ जगह हो। ये ताज होटल की बाउंड्री शुरू हो गई है, यहीं की पार्किंग है, रिजर्व पार्किंग है। इसके बाद ये गेट हो गया, गेट पे आपको गार्ड्स दिख रहे हैं। जब तक मुंबई अटैक नहीं हुआ था तब तक इनके गेट पे कोई भी एक भी गार्ड नहीं रहता था, गाड़ी सीधे अंदर चली जाती थी। और ये बगल में भी देखिए ताज होटल की ही पार्किंग है, पूरा ताज होटल का कैंपस चल रहा है। यहाँ पे गदर मूवी की शूटिंग हुई थी, गदर में जो गाने आने अमीषा पटेल पे जो फिल्माए गए हैं वो सब यहीं पे ही अंदर शूट हुए हैं। पाकिस्तान के काफ़ी शॉट्स यहीं पे ही दिखाए गए हैं। जब अमरीश पुरी के सारे शॉट्स जो दिखाए गए कि पाकिस्तान में हैं, वो सारे शॉट्स यहीं ताज होटल के अंदर ही शूट हुए हैं। राइट हैंड साइड पे जो आप पुल देख रहे हैं वही ओवरब्रिज है जहाँ पे रास्ता बंद था और अम्बेडकर पार्क का गेट बना हुआ था। उस तरफ से अगर आप आएंगे तो इसी पुल से आप उतरेंगे। और जैसे ही पुल ख़त्म होगा राइट हैंड साइड पे आपको अंबेडकर पार्क का नज़ारा दिख रहा है। ये भी मायावती गवर्नमेंट के टाइम 1995 में सबसे पहली बार बनवाया गया था। उसके बाद मुलायम सिंह सरकार आ गई थी और मुलायम सिंह सरकार के बाद जब दोबारा मायावती की सरकार आई तो ये पूरा पार्क तोड़ करके दोबारा फिर से बनाया गया। अंदर कई जगह पर मायावती, काशीराम और अम्बेडकर जी की और कुछ दलित महापुरुषों की अंदर मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और इसी पार्क में काफ़ी मूवीज़ के भी शूट हुए हैं, जहाँ पे कुछ गाने भी शॉट्स हुए हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। ये देखिए ये जो मीनारें दिख रही हैं इन्हीं के बीच में कुछ शॉट्स गानों के लिए गए हैं। और जो हाथी लगे हुए हैं, करीब 100 हाथी एक साथ लगे हुए हैं यहाँ पर। और देखिए ठीक अपोजिट लखनऊ मेट्रो की बिल्डिंग है, वास्तव में लखनऊ मेट्रो की बिल्डिंग नहीं थी, ये भी मायावती गवर्नमेंट ने बनवाई थी, लेकिन अब इसे कन्वर्ट कर दिया गया, लखनऊ मेट्रो को दे दिया गया। लेफ्ट हैंड साइड पर आपका लोहिया पार्क चल रहा है, ये आगे आपका विपुलकंड वाला चौराहा। विपुलकंड से आप राइट हैंड साइड टर्न लेंगे तो जनेश्वर मिश्रा की तरफ जाने का रास्ता मिलेगा। सीधे अगर आप चले जाएंगे तो गोमती नगर के सारे अलग अलग खंड शुरू हो जाते हैं, जिसमें विपुलकंड सबसे पहला है। और हम लोग राइट टर्न इस वक्त ले रहे हैं और ये राइट हैंड साइड पे आपको अभी भी अंबेडकर पार्क ही नज़र आ रहा है। और सीधे जैसे ही आप चलेंगे आपको एक और ख़ास आदमी का, आपको घर नहीं कहूँगा महल कहूँगा, आपको दिखा देता हूँ। सुब्रत रॉय सहारा, आपने नाम जरूर सुना होगा, सहारा समूह के मालिक। और अभी ये कुछ ही दिनों पहले विवादों में थे और 2-2.5 साल ये जेल में भी इन्हें रहना पड़ा सेबी के साथ अपने विवाद के चक्कर में। और इनका महल अभी बहुत ही जल्दी आपको दिखने वाला है स्क्रीन पे, तो आप बने रहिए मेरे साथ। राइट हैंड साइड पे अम्बेडकर पार्क चल रहा है, आप सोच रहे होंगे कितना बड़ा पार्क है। एक्चुअली जब दोबारा तोड़ के से बनाया गया तो मायावती गवर्नमेंट ने कुछ और चीज़ों को जो इसके आसपास बनी हुई थी, जैसे गोमती नगर स्टेडियम और 2-4 और सरकारी बिल्डिंगों को भी डायनामाइट से तोड़वा करके इसी में मिलवा लिया। ये देखिए कुछ बड़े लोगों के और मकान हैं, इसे पॉश इलाका कहा जाता है। और देखिए सामने जो सफ़ेद रंग का जो गेट आपको देख रहा है, यही है सहारा शहर। इसे सहारा शहर का नाम दिया गया है क्योंकि ये शहर के बराबर तो, छोटे शहर के बराबर तो है ही है। और यही है इसका एंट्रेंस, देखिए भारत माता की मूर्ति लगी हुई है और यही गेट है। और अब पूरा जो कैंपस जो राइट हैंड साइड पर चल रहा है, जिस पे कटीले तार ऊपर लगे हुए हैं, इनमें करंट दौड़ता रहता है, ये सारा सहारा शहर है।
और अभी आपने न्यूज़ में सुना भी होगा, जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बंगला खाली करना पड़ा, काफ़ी उनका सामान इसी सहारा शहर भेजा गया। इस सहारा शहर के चारों तरफ बाउंड्री पे वॉच टावर्स बने हुए हैं, जहाँ पे गार्ड हर वक्त रहते हैं, कटीले तार हैं जिनमें करंट दौड़ता रहता है, और हर तरफ कैंपस सीसीटीवी कैमरे से सेव किया हुआ है। और सारा शहर के बगल में ही ये देखिए एक और छोटा चौराहा है, यहाँ से राइट टर्न लेंगे और फ्लाईओवर एक आएगा, फ्लाईओवर पार करते ही जनेश्वर मिश्रा पार्क दिखने लगेगा। ये फ्लाईओवर भी पहले यहाँ पे नहीं था, ये केवल इसीलिए बनाया गया ताकि जनेश्वर मिश्रा पार्क का जो अप्रोच है वो थोड़ा सही हो सके। आप विकिपीडिया में पढ़ भी सकते हैं, जनेश्वर मिश्रा पार्क का जो इलाका है पहले जो है जंगल था, अखिलेश सरकार के दौरान इस जंगल को ऑन पेपर कन्वर्ट किया गया, इसका लैंड यूज़ चेंज किया गया और इसे पार्क में तब्दील किया गया। फ्लाईओवर इसीलिए बनाया गया क्योंकि नीचे क्रॉसिंग रहेगी और क्रॉसिंग हर वक्त बंद रहेगी तो लोगों को आने में बहुत असुविधा होगी और पार्क जो है फेमस नहीं हो पाएगा। और 376 एकड़ में फैला ये पार्क है। स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पर आप गौर से देखिए तो आपको एक भारत का एक झंडा आपको दिखाई दे रहा है, जो कि अभी हवा नहीं चल रही तो फहरा नहीं रहा है, वरना ही बहुत तेज अच्छे से लहराता है और काफ़ी दूर से ही काफ़ी बड़ा सा झंडा दिखता है। और ये फ्लाईओवर पे हम लोग आ गए हैं, फ्लाईओवर पार करते ही राइट हैंड साइड पर जनेश्वर मिश्रा पार्क आपको दिखने लगेगा। देखिए झंडा आपको और करीब से दिखने लगा है। अब इस समय राइट हैंड साइड पे जनेश्वर मिश्रा पार्क की कैंपस जो स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है, एक दिन में कोई इसे घूम नहीं सकता जब तक आपकी टांगे बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो। देखिए हम लोग फ्लाईओवर से उतर रहे हैं, हम लोग आ गए हैं जनेश्वर मिश्रा की एंट्रेंस पर। इसके वैसे तो कई गेट हैं लेकिन यही मेन एंट्रेंस है, तो हम लोग मेन एंट्रेंस से ही एंटर करेंगे ताकि आपको अंदर का व्यू दिखा सकें। LDA ने इसे बनवाया है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। तो दोस्तों ये था लखनऊ का सिटी टूर, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। जनेश्वर मिश्रा पार्क के अंदर का वीडियो देखने के लिए आप इसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।